पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की प्रतिष्ठित जाधवपुर यूनिवर्सिटी का माहौल भी गर्म है। राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की घटना के बाद ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में आई है और इस बार हंगामा फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जाम की स्क्रीनिंग को लेकर हुआ है। हंगामे की ये तस्वीरें शुक्रवार देर रात की हैं, जहां फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जैम को लेकर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीवीपी और वाम दलों के छात्रों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे कि अनुपम खेर स्टारर इस फिल्म की स्क्रीनिंग कैंपस में हो, लेकिन एबीवीपी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए जिद पर अड़ी थी। इसके लिए एबीवीपी की तरफ से कॉलेज प्रशासन से इजाजत भी मांगी गई, लेकिन राज्य में आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रशासन ने फिल्म दिखाने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रैली की तरह स्क्रीनिंग का प्रचार किया और जब रात करीब 8 बजे फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री यूनिवर्सिटी पहुंचे तो छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। अग्निहोत्री को छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और काले झंडे दिखाए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि अग्निहोत्री के साथ कुछ बाहरी लोग भी आए थे, जिन्होंने छात्राओं के साथ अश्लील टिप्पणी भी की, जिसे लेकर मारपीट शुरू हुई। मारपीट में एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि 4 लोगों को छात्रों ने बंधक बना लिया। वाम दलों का आरोप है कि हिंसा एबीवीपी से जुड़े थिंक इंडिया ग्रुप की वजह से हुई। छात्रों का कहना है कि बाहरी लोगों में 3 छात्र एबीवीपी समर्थक थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना में जिस तरह से एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगे हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो पूरी तरह से सुनियोजित है। इस तरह से उपद्रव उन्हीं यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल रहे हैं जहां एबीवीपी छात्र संघ की कुर्सी पर नहीं है। जेएनयू से उठा विवाद धीरे धीरे देश भर की यूनिवर्सिटीज में फैलता जा रहा है। देश प्रेमी और देश विरोधियों की लड़ाई शिक्षा के मंदिरों में कब तक चलती रहेगी, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए जीवी लाइव।